आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि खलनायक एक चुनौती देता है और नायक उस चुनौती को पहले स्वीकार करता है और फिर उस चुनौती को तहस नहस करके खलनायक को उसके अंजाम तक पहुंचा देता है। जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ऐसा ही एक फिल्मी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन इस एनकाउंटर में कुछ भी नकली नहीं था, फिल्मी नहीं था। इस एनकाउंटर में आतंकवादी असली थे, सेना के जवान असली थे, गोलियां असली थीं, खून असली था और मौत भी असली थी। जब कोई आतंकवादी भारतीय सेना के जवानों को चुनौती देता है तो उसका एक ही नतीजा होता है और वो है मौत। एक ऐसी ही चुनौती हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी समीर टाइगर ने भारतीय सेना के मेजर रोहित शुक्ला को दी थी, लेकिन इस आतंकवादी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी धमकी के 24 घंटे के अंदर ही मेजर रोहित शुक्ला और भारत के सुरक्षा बल उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। आज हमारे पास इस आतंकवादी के एनकाउंटर की तस्वीरें आई हैं। सबसे पहले आप इस आतंकवादी की धमकी और उसके एनकाउंटर का ये वीडियो देखिए और फिर हम आपको इस ऑपरेशन से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। शुक्ला को कहना शेर ने शिकार करना क्या छोड़ा, मैं समझा जंगल हमारा है। बिल्कुल, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया ना, उसको कहो सामने आ जा। चलो ठीक है। शुक्ला को कहना शेर ने शिकार करना क्या छोड़ा, मैं समझा जंगल हमारा है। बिल्कुल, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया ना, उसको कहो सामने आ जा। चलो ठीक है। ये आगे मिल्टन का फायर, आगे मिल्टन का फायर। मिल्टन का? हम्म, ये मिल्टन का। नहीं बोलेंगे कड़ाई की। नहीं यार, ये यहाँ से निकल। यह एनकाउंटर आज से 3 दिन पहले यानी सोमवार को हुआ था। 30 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना, सीआरपीएफ और राज्य की पुलिस का जॉइंट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा था। 44 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर रोहित शुक्ला काफी समय से समीर टाइगर नामक आतंकवादी की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे थे और आखिरकार सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को घेर लिया। पुलवामा के एक गांव में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर थी, जिनमें से एक समीर टाइगर था। यह एनकाउंटर लगभग 4 घंटों तक चला। आतंकवादियों की तरफ से हुई फायरिंग में मेजर रोहित शुक्ला सहित उनके कुछ साथी घायल भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को पूरा करके ही दम लिया। इस एनकाउंटर से भारत की सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को बहुत साफ शब्दों में एक संदेश दिया है कि वो आतंकवादियों की चुनौतियों को ठिकाने लगाना अच्छी तरह जानती है। वैसे भी नाम में टाइगर लगा लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता, बहादुरी और देशभक्ति से ही नायक बनने का मार्ग खुलता है। और इस एनकाउंटर के लिए हम मेजर रोहित शुक्ला और उनके साथियों को आप सबकी तरफ से भी शुभकामनाएं देते हैं।